दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एक और नया ट्यूटोरियल लेकर आए हैं और इस ट्यूटोरियल का नाम है वाउचर डेट लॉक। जैसा कि आप गेटवे ऑफ टैली पे मेन्यू देख रहे हैं, वाउचर डेट लॉक ये क्या है दोस्तों? आप अपने वाउचर के डेट को लॉक कर सकते हैं। लॉक होने वाले पीरियड में आप कोई भी एंट्री ना डिलीट कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना अल्टर कर सकते हैं। इसका यूज बहुत तरीके से है। जैसे मान लीजिए आपने GST फाइल कर चुके हैं, तो आप जब तक कि GST फाइल कर चुके हैं उस डेटा में कोई हेर फेर ना हो, उसके लिए आप क्या कीजिए, उस वाउचर के डेट को लॉक कर दीजिए। तो उतने के बीच के आप एंट्री को ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना अल्टरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, TDL को मैंने अपने टैली पर लगा रखा है और यहाँ पर F1 में जाने के बाद, एड ऑन फीचर में जाने के बाद, यहाँ से आपको मॉड्यूल को इनेबल करना है, इनेबल वाउचर डेट लॉक। ये मॉड्यूल दो तरीके से चलता है दोस्तों। एक ओनली यूजर, मतलब जो भी लॉकिंग लगाएंगे वो सिर्फ यूजर के लिए लगेगा। अगर आप यूजर और एडमिन दोनों कर देंगे तो ये सारे जो रूल हैं लॉकिंग के, वो सारे रूल एडमिन पर भी लागू हो जाएंगे। तो मैं दोनों पोजीशन लेता हूं और सेव करता हूं। सेव करने के बाद यहां पर ये जो आपको मेनू दिख रहा है ये एक्टिव हो जाएगा। यस करने के बाद इसमें चलेंगे तो जो भी वाउचर आपके पास अवेलेबल है वाउचर टाइप, वो सारे वाउचर टाइप यहाँ पर शो कर जाएंगे। अभी मैं कॉन्ट्रा वाउचर सेकेंड में आता हूँ, ये कॉन्ट्रा वाउचर है सेकेंड लाइन में, और इसे मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद हम यहाँ देंगे कि 1/4 से 1/5 तक मैंने लॉक लगाया। और सेल वाउचर में चलते हैं, यहाँ पर सेल वाउचर में यहाँ पर मैंने यस किया और 2/4 से 1/5 तक मैंने लॉक लगाया। 1 अप्रैल से 1 मई तक है, दूसरे में 2 अप्रैल से 1 मई तक है। लॉक लगाने के साथ साथ ये लॉक यूज तब करना है दोस्तों, लॉक लगाने के बाद इस ऑप्शन में जब हम यस करेंगे तब ये एक्टिव होगा। ये हमारा देखिए दोस्तों दोनों ब्लू हो चुका है। जो ब्लू है वो एक्टिव है, जो रेड है वो इनएक्टिव है। अभी हम यहाँ पर आते हैं लॉक के बाद वाउचर में चलते हैं। जैसे वाउचर मैंने इन किया, ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर को 1 अप्रैल में दिखला रहा है ये लॉक्ड वाउचर 1 अप्रैल से 1 मई तक। अगर हम यहाँ पर डेट में 1/6 कर दें तो ये देखिए लॉक नहीं है दोस्तों। 1/6 में जब हम एंट्री करेंगे, 1/6 में एंट्री मैंने पास कर ली, आप डेबुक में देख सकते हैं 1/6 की एंट्री है आ चुकी है। अभी हम 1/6 के अलावे जब यहाँ पर 1/5 में आते हैं जो कि हमारा लॉक का पीरियड है, और हम वहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो ये देखिए हाई टैली यूजर पीरियड इज लॉक्ड बिटवीन 1 अप्रैल से 1 मई, क्रिएशन इज नॉट अलाउड। मतलब दोस्तों ये लॉक वे वाउचर में हमें वर्क करने नहीं देगा। अभी ये अगर पेमेंट वाउचर होगा तो पेमेंट वाउचर में हम चलते हैं, हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं, इसमें ये हमारे पेमेंट करने देगा दोस्तों। इसको हम इसलिए कर रहे हैं, फिर जब अल्टरेशन चेक कर लेंगे इसमें। तो इसी तरीके से जब हम सेल वाउचर में चलेंगे तो सेल वाउचर में देखिए जब हम 1 अप्रैल में एंट्री लेते हैं तो ये वाउचर हमारा सही है। 1 अप्रैल में देखिए दोस्तों मैं एंट्री कर रहा हूँ, इसमें क्वान्टिटी का नहीं है, ये मैंने सेव कर लिया 1 अप्रैल में। पर जैसे ही हम इसे 2 अप्रैल करते हैं, मुझे देखना होगा दोस्तों इसका लॉगिंग पीरियड क्या है। 2 अप्रैल यहाँ चलेंगे, 2 अप्रैल 19 से, ये दोस्तों सेल्स वाउचर में नहीं है दोस्तों, सेल्स डेमो में ये लॉक मेरा लगा हुआ है, ये सेल्स डेमो में लॉक है। यहाँ पर चलेंगे और यहाँ से हम चेंज कर लेंगे सेल्स डेमो। जैसे ही 2 अप्रैल में आएंगे दोस्तों, ये देखिए अगर मैं इसे 1 अप्रैल कर दूँ तो ये लॉक आपका हट जाएगा और एंट्री एक्टिव हो जाएगी। पर जैसे ही हम 2 अप्रैल करते हैं ये लॉक लग जाएगा दोस्तों, हमें एंट्री ये करने टैली नहीं देगी। ये देखिए यहाँ मैं चूज कर लूँ दूसरा आइटम, और यहाँ पर जब हम इसे सेव करने की कोशिश करेंगे ये सेव नहीं करने दे रहा है दोस्तों। अभी एक चीज़ देखिए, हमने जो पेमेंट की एंट्री पास की थी 1 मई में, 1/5 में, ये पेमेंट की एंट्री है, इसे देखिए हम यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। अभी हम यहाँ पर लॉक को एक्टिव करते हैं पेमेंट पे। ये पेमेंट वाउचर दोस्तों यहाँ हम एक्टिव करते हैं 1/4 से 2/5 तक, हमने ये एक्टिव कर लिया और सेव कर लिया। को चेक करें ये एक्टिव है दोस्तों। अभी हम जब इसमें एडिट में आएंगे तो एडिट में देखिए दोस्तों ये एडिट मोड में खुलेगा ही नहीं, वाउचर डिस्प्ले मोड में आएगा, एडिट मोड में आएगा ही नहीं।
एक चीज देखिए, यहाँ पर मैं डेबिट में चलता हूँ और अपने जितने भी मेरे वाउचर हैं मैं सारे वाउचर को आपके सामने लाता हूँ। ये एक चार से जितने वाउचर हैं, काफी सारे वाउचर आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर। इससे अच्छा कि मैं थोड़ा सा डेट कम कर दूं क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एक चार से मैं एक छः तक लेता हूँ, इतने वाउचर हैं। अब मैं जब यहाँ पर स्पेस देता हूँ, सपोज कीजिए ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, देखिए पेमेंट वाउचर सेलेक्शन नॉट अलाउड, ये सेलेक्ट करने नहीं देगा दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, देखिए सिलेक्शन ही नहीं करने देगा। अभी अभी एक चीज समझिए, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस कर दें तो ये देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस किया तीन ही वाउचर सेलेक्ट होगा और तीन ही वाउचर होगा, ये कॉन्ट्रा को सिलेक्ट नहीं करने देगा दोस्तों। तो ये सेलेक्ट करके भी डिलीट बंदा नहीं कर सकता है क्योंकि ये सेलेक्ट ही नहीं होगा। सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सिलेक्शन नॉट अलाउड, इंटर कीजिएगा तो इस मोड में आएगा। यहाँ पर मैंने देखिए ये वाउचर पे आए, अभी आप ये आपका वाउचर जो है 1 जून का है, 1 जून के वाउचर को अगर हम इसे अल्टर करते हैं और सपोज कीजिए 1 मई में हम लाते हैं तो आप इसे सेव नहीं कर पाइएगा दोस्तों। देखिए अल्टरेशन इज नॉट अलाउड, ये पीरियड हमारा लॉक है, तो आगे का डेट का वाउचर के भी आप पीछे के डेट में नहीं ला सकते हैं। अगर ये सब आपको हटाना है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, वाउचर डेट लॉक पर जाएंगे, पीरियड को रहने देंगे और लॉक को सिर्फ हम हटा देंगे। लॉक हटाने के बाद अब हम फिर से डेबुक खोलते हैं और इंटर मार देंगे, देखिए वाउचर हमारा ओपन हो गया। तो यही दोस्तों, ये आपको बतला देगा कौन सा वाउचर किस डेट में लॉक है, आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा यूजर को लॉक्ड वाउचर। तो दोस्तों ट्यूटोरियल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्यूटोरियल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसका कोटेशन आपको दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।